हेलो गाइस, व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हो सब लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आई एम अगेन हियर विद अ न्यू लेक्चर। गाइस, लास्ट लेक्चर मैंने आपने देखा होगा, सेकंड लेक्चर एंड फर्स्ट लेक्चर आपको देखा होगा, तो आपको पता चला होगा अपनी कहानी आज तक बड़ी बीसीआर में। और मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बोला था एक छोटा सा काम कि आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया गया है लिंक, उस पर टच करना है। बस एक तेरी बस टच, डिस्क्रिप्शन ओपन करो, वहां पर टच करो, यू विल बी रिडायरेक्टेड टू द टेलीग्राम अकाउंट और आप ऐड हो जाओगे। और ऐड होने के बाद अग्रवाल क्लासेस विल गिव यू ऑल द व्हाटएवर अपडेट्स फॉर सीए फाउंडेशन एंड फॉर द लेवल्स आल्सो। तो गाइस, देर किस बात की, बस आपको करना क्या है अपने करियर के लिए, तुम्हारे लिए, बस लिंक टच करो एंड गेट बैक टू द क्लासेस ऑफ विच वी हैव द ग्रुप फॉर द टेलीग्राम फॉर सीए फाउंडेशन एंड द सीए इंटरमीडिएट लेवल्स आल्सो। सो गाइज, लेट्स बिगिन। तो मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा कि आई होप मैंने जो आपको बताया है अब तक वह आपके थोड़े समझ में तो आया होगा। I'm very sure अबाउट इट, नॉट अबाउट स्टडीज ओनली। मैंने आपको और भी चीज बताई, जैसे कि वी आर नॉट ओनली गोइंग टू प्रोवाइड यू द नोट्स, या फिर नॉट इवन कि ऐसा कुछ कि आपको सिर्फ मॉड्यूल दे दिया, नहीं। आपको इन लेक्चर्स के, as you know, in lectures you are going to receive the backups, matlab you will not miss any lectures because hamara agrawal classes ka khud ka application hai, so you will not be able to miss any lectures. Number two, notes by faculties, jaise ki main khud faculty to main notes dunga, plus mere subject mein maine ek bcr ka churan banaya hai, us book ka naam hai, to aapko wo bhi milega jaise main aapko bataya tha, bas ab theek hai। तो ये चीज आपको मेरी तरफ से मिलेगी मेनली। फिर रेगुलर टेस्ट सीरीज तो होगी, प्लस स्केड्यूल होता है, एक स्केड्यूल बनाया जाता है कि आपका कब कौन सा टॉपिक खत्म होगा, कब कौन सा टॉपिक का टेस्ट होगा। तो आपको ये प्रायर बेसिस पर, व्हेन यू स्टार्ट द करियर विद अस, स्टार्ट लर्निंग विद अस, विल गिव यू द स्केड्यूल आपका किस तरीके से होगा, आपका प्लान किस तरीके से होगा फॉर द रेस्ट ऑफ द एकेडमिक ईयर, बराबर। ये आपके साथ हम आपको ये प्रोवाइड करके देंगे, ठीक है। अब सर जोरा लास्ट लेक्चर का बिल्कुल बता रहा हूं बेटा, दो मिनट दो, बस दो मिनट दो। तो गाइस, जैसे कि आप जानते होंगे, अग्रवाल क्लासेस हैज कंप्लीटेड 20 इयर्स इन द टीचिंग इंडस्ट्री फॉर सीए सीएस एंड सीए में एंड लॉ इंटर्न्स। सो अ फोर्टे इज प्रोफेशनल कोर्सेज सिंस 20 इयर्स। तो सर 20 साल का तो मैं भी नहीं हूं। हाँ, जानता हूं बेटा। तो बेटा, जब आप छोटे होंगे या फिर नहीं भी होंगे, तो तब से लेकर अब तक अग्रवाल क्लासेस सर्विंग द स्टूडेंट्स एंड यस गिविंग रैंकिंग टू द स्टूडेंट्स, रैंकर्स बनाए हैं काफी अग्रवाल क्लासेस। अगर आप इंस्टीट्यूट आओगे तो आपको पता चलेगा, अब गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा लाइक वाइज। सो माई डियर फ्रेंड्स, इट इज आई एम वेरी प्लीज टू टेल यू दैट आई एम द फैकल्टी ऑफ अग्रवाल क्लासेस, एज यू नो, एंड यू कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ इट। आई एम नॉट रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आपको मेरे हर बात माननी है, लेकिन मैं ऐसा बोलूंगा ना, तुम ऐसा महसूस करोगे वो अलग बात है, ठीक है। सो कमिंग टू द पॉइंट इज कि अग्रवाल क्लासेस सर्विंग फॉर 20 इयर्स, सो वी हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड वी हैव अ गुड टीम ऑफ सीए फाउंडेशन एंड अदर कोर्सेस। तो अभी देखो गाइस, ये तो ठीक है, मैं आपको बता दिया अग्रवाल क्लासेस के बारे में, अभी मैं आपको ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, ये आप खुद भी जानते हो। एक बार आप गूगल कर लोगे, आपने सुना भी होगा 100%, अगर गूगल कर लोगे तो ज्यादा पता चल जाएगा, बेटर है ना। तो अभी गाइस, ये बस आपको एक करना है, टेलीग्राम लिंक ना भूलना मत, ठीक है। चलो, तो लास्ट लेक्चर में जो देखा था एक बार देख लेते। सो लास्ट लेक्चर में गाइज, आई टोल्ड यू कि लास्ट लेक्चर में हमने कुछ पार्ट्स कवर किए थे, इसमें वो पार्ट नहीं आए गाइस, लेकिन मैं बता देता हूँ। लास्ट लेक्चर में गाइस, आई टोल्ड यू अबाउट कि भैया कम्युनिकेशन का कितने टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स है, कि कितने माध्यम से कम्युनिकेशन होता है। मैंने आपको बताया था कि भाई साहब देखो, तीन माध्यम से कम्युनिकेशन हो सकता है। नंबर वन माध्यम क्या है कि आप वर्बल कम्युनिकेशन करो, मतलब वर्ड्स का इस्तेमाल करके कम्युनिकेट करो। नंबर टू में क्या बोला गया था कि आप यहां पर वर्ड्स का इस्तेमाल मत करो, यहां पर इशारों में कम्युनिकेट करो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और नंबर थ्री मैंने आपको बताया था कि विजुअल कम्युनिकेशन, बस नाम बताया था, उसके बारे में कुछ नहीं बताया था, है ना। तो गाइज, लास्ट लेक्चर में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का थोड़ा पार्ट बचा होता, आई गेस, राइट।
तो वो पार्ट कंप्लीट कर लेंगे हम लोग एंड वी आर गोइंग टू मूव टू द विजुअल लाइक विजुअल कम्युनिकेशन. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा हल्का सा पार्ट है वो एक बार देख लेते हैं और रिवाइज कर लेते. तो लाइक वाइज गाइज हमें पता चला था वर्बल एंड नॉन वर्बल. नॉन वर्बल मेनली हमने बात की थी कि भैया देखो नॉन वर्बल में तो रिटन एंड ओरल होता है, और रिटन में भी ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन में भी ओरल कम्युनिकेशन कुछ एसेंशियल है. सबका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, आपका पिच अच्छा होना चाहिए, देन आपके वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, आपका स्पोकन ग्रामर अच्छा होना, ये सब एसेंशियल्स है ओरल कम्युनिकेशन के. उसके बाद आई टोल्ड यू कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये पता चला कि यार यहां पर तो अलग अलग तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं, बॉडी लैंग्वेज से, टोन से, फिर एक्सप्रेशन से. तो यस ये पार्ट आपने देखा था. उसका एक पार्ट रह गया था गाइस, मैंने आपको ये बताया था अपीयरेंस वाला पार्ट. जैसे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमने कौन कौन से पार्ट देखे थे, हमने देखा था पैरा लैंग्वेज, देन आई टोल्ड यू अबाउट एस्थेटिक कम्युनिकेशन, देन आई टोल्ड यू अबाउट फिजिकल नॉन वर्बल, फिजिकल नॉन वर्बल के बाद हमारा रह गया था अपीयरेंस, एंड हमारा रह गया था सिंबल. बराबर, तो ये पार्ट रह चुका था. तो लेट्स बिगिन गाइज विद दिस पार्ट ऑफ अपीयरेंस. गाइज जैसे आप जानते हो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अपीयरेंस से भी होता है. क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल होता है बॉस. देखो अब एक आदमी आ रहा था सूट बूट पहनकर, एकदम मस्त चकाचक लग रहा था, बहुत सुंदर दिख रहा था, सूट वूट पहन के आदमी आ रहा था. तो मैं उसके पास देखा, मैंने बोला अरे भाई साहब क्या लग रहे हो आ रहा, वो पहचान का दोस्त था मेरा है. तो मैंने उसको देख के बोला कि कहां कौन से फंक्शन में जा रहा है क्या, तो बोला हाँ. अब मुझे कैसे पता चला कि वो फंक्शन में जा रहा है, उसने मेरे को बताया क्या था क्या पहले, नहीं. तो पता कैसे चला, मतलब मेरे को कम्युनिकेट हुआ. लेकिन सर बोला ही नहीं तो कम्युनिकेट कैसे हुआ बेटा, वो नहीं बोला लेकिन उसके अवतार बोला. वो जो पहना था ना उसने जो अपीयरेंस कैरी ऑन किया था वो अपीयरेंस ने कम्युनिकेट किया. उसके अपीयरेंस से ये कम्युनिकेट इजीली हो गया कि ही इज गोइंग टू सम फंक्शन. ठीक है, तो आपका अपीयरेंस भी कम्युनिकेट करता है. बोलते हैं ना कि जब फर्स्ट इंप्रेशन का तो एकदम वेल ड्रेस जाओ एंड ऑल दैट एवरीथिंग. क्यों बोलते हैं गाइस, क्योंकि आपका अपीयरेंस भी कम्युनिकेट करता है, वो भी बात करता है विदाउट अटरिंग अ वर्ड. क्यों बोलते हैं कि छपरी फटी फुटी पैंट मत पहनो, नहीं आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पैंट्स, आई अंडरस्टैंड आपकी एज है, लेकिन बट ऑफिस में तो ये अलाउड नहीं होता, क्योंकि दैट ऑल्सो कम्युनिकेट्स, दैट ऑल्सो शोज हु यू आर, वॉट यू आर. सो गाइज आपका अपीयरेंस भी कम्युनिकेट करता है. ठीक है, ये पार्ट हो गया. अब नेक्स्ट पार्ट है, यार लिख देता हूं मैं, अपीयरेंस इज ऑल्सो वे ऑफ कम्युनिकेशन नेक्स्ट इज सिंबल गाइस. क्या सिंबल कम्युनिकेशन करता है, तो क्या सिंबल कम्युनिकेशन करता है, द आंसर इज यस, सिंबल भी कम्युनिकेशन करता है. सर क्या बात कर रहे हो, हाँ बेटा करता है ना क्या. तुम्हें चला एग्जांपल देता हूं, अब देखो तुम्हें दिखता है एक
डॉक्टर का सिंबल गाड़ी पे, अगर तुम्हें कार देख रहे हो, गाड़ी पे होता है, देखा होगा आपने, डॉक्टर का सिंबल दिखता है, मतलब ऐसा एक स्टिक होता है, उस पे दो स्नेक्स होते हैं। तो आप ये समझ जाते हो कि जो कार चला रहा है या जो कार का ओनर है वो डॉक्टर है ना। तो अगर आप यहां खड़े हो, तो आप यहां पर खड़े हो तो आप क्लियरली समझ जाओ कि यहां पर सिंबल है तो मतलब कार वाला डॉक्टर है। क्या उसने आपको बताया? नहीं। तब को पता किससे चला? कम्युनिकेशन हुआ। किससे कम्युनिकेशन हुआ? लेकिन मुंह से हुआ, बात की नहीं, कुछ नहीं हुआ सर। तो पता किससे चला बेटा? पता आपको चला वो सिंबल से। गेटिंग इट? तो गाइस सिंबल से भी कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल, अब गाइस मैं एक जगह होटल पे गया था, रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं हम लोग, आपने देखा होगा, वहां पर एक होता है ऐसा सिगरेट बनी हुई होती है, ठीक है, सिगरेट बनी होती है। और मैंने बता दूं कि वी आर नॉट, दिस डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर दे दूं कि दिस इज नॉट प्रमोशन ऑफ एनीथिंग, ठीक है। इनको सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ना करें ना करने। तो एक सिगरेट ऐसी बनी हुई थी और उस पे ना ऐसा लाल कलर का लगा हुआ था। तो मैं वो होटल में गया, तो अब मैं समझ गया कि यहां पर ये बोल रहे शायद आसपास के लोग लेकिन यहां पर स्मोकिंग अलाउड नहीं। तो मैं कंफर्टेबल हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे स्मोक से प्रॉब्लम है, तो मैं कंफर्टेबल हो गया। हेलो 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 हेलो। तो मुझे स्मोक से प्रॉब्लम है, क्या हुआ? कंफर्टेबल हो गया। कंफर्टेबल क्यों हो गया? कंफर्टेबल इसलिए हो गया कि वहां पर कोई स्मोक नहीं करेगा अभी। लेकिन मेरे को शॉप वाले ने बोला क्या कि यहां पर स्मोकिंग अलाउड नहीं है सर, आप बिंदास बैठो। नहीं बोला। तो पता किससे चला मेरे को बेटा? ये सिंबल मैंने देखा, इस सिंबल से क्या हुआ? कम्युनिकेशन हुआ। तो मतलब सिंबल भी कम्युनिकेट करता है? यस, सिंबल्स भी कम्युनिकेट करता है। सो गाइस दिस इज ऑल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये अलग अलग तरीके होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करने के। एनी वन हैज एनी डाउट्स प्लीज 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 टेल मी। आई होप नॉट। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब विजुअल कम्युनिकेशन, नेक्स्ट इज विजुअल कम्युनिकेशन। मतलब आप जब कम्युनिकेशन करने का और एक जरिया पता चलता है हमको, विजुअली आंखों से देखकर कुछ चीजें, चित्रपटा देखकर आप कम्युनिकेट करते हो या समझते हो, दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन। अब देखते हैं इस चीज को अच्छे से, तो लिख लेते हैं थर्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज विजुअल। विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब विजुअल कम्युनिकेशन इज व्हेन कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हाइल विजुअलाइजिंग समथिंग इट मे बी अ कलर इट मे बी फ्लो चार्ट और अ पाई चार्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप जब विजुअल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जब आप देखकर ही आपके में कम्युनिकेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आप जा रहे हो तो ऐसे रास्ते पे वहां पर एक सिग्नल होता है, सिग्नल में अलग अलग लाइट्स होते हैं, ठीक है, एक दो तीन, ठीक है। तो सबसे अब क्या होता है कि जब
एक होता है येलो लाइट, ऑरेंज लाइट सॉरी, तो मतलब वो चिल मोड पे था कि सिग्नल ऑफ है, बराबर है सिग्नल, इट्स ओके यू कैन मूव ऑन, ऐसा इस तरीके से, या रेडी होने का सिंबल होता है मोस्टली। एक होता है ग्रीन लाइट, जो आपको ये बताता है कि यू कैन गो, आप जहां भी जाना है जा सकते हो, आगे जा रहे हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक होता है रेड, तो जैसी रेड आता है गाड़ी स्टॉप हो जाती है, बराबर, लेकिन किसने रुकने बोला क्या? नहीं बोला है? तो गाड़ी ऑटोमेटिक कैसे रुक गई बेटा? कम्युनिकेशन हुआ। कैसे कम्युनिकेशन हुआ सर? बेटा ये विजुअल कम्युनिकेशन हुआ, इन्होंने लोगों ने विजुअली देखा कि लाल सिग्नल मतलब रुकना है, तो ये क्या है? विजुअल कम्युनिकेशन, मतलब आप देखकर ये समझ गए कि भैया लाल लाइट रुक जाओ, सिग्नल में लाल लाइट है रुक जाओ, आगे नहीं जा सकते। तो यहां पर क्या पर किसने बोला क्या? नहीं बोला, लेकिन कलर ने बोला और वाकई सिग्नल ने बोला कि रुकना है तेरे को, तो ये कौन से टाइप का कम्युनिकेशन? विजुअल कम्युनिकेशन। हरा लाइट तो भक्त करके एकदम जैसे कि वहां रेस लग गई है, किसने बोला क्या भागो अभी? नहीं, वहां के लाइट ने बताया कि भैया अब आपको भागना है, तो मतलब यहां पर भी कम्युनिकेशन हुआ है, लेकिन कौन सा कम्युनिकेशन है? अगेन विजुअल कम्युनिकेशन, समझ में आई बात? तो ये सब विजुअल कम्युनिकेशन होते हैं गाइस। ओके नाउ और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं, ये तो कलर का हो गया। आप ने देखा होगा कि कई दफा लोग पुराने जमाने में मैप इस्तेमाल करते थे, कई यहाँ इस जगह से उस जगह नहीं आए तो उनके पास प्रॉपर ना एक पेज का मैप हुआ करता था, तो मैप को फॉलो करते करते दे यूज्ड टू गो जहाँ भी उनको जाना है एंड ऑल दैट, है ना, तो मैप से इस्तेमाल करते थे, और वो इंसान को समझ में आ जाता था कि उसको राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, स्ट्रेट जाना है, कहाँ जाना है, उसको सब समझ में आता था। कैसे? विद द हेल्प ऑफ दैट मैप। अब मैप ने क्या मदद की? किसी ने आके मैप ने बोला क्या उसको कि सुन तेरे को लेफ्ट जाना है राइट जाना है? बोला क्या? नहीं, लेकिन फिर भी इसको कम्युनिकेट हुआ, मैसेज कम्युनिकेट हुआ कि नहीं मैप का? यस हुआ सर, लेकिन कैसे कम्युनिकेट हुआ? कम्युनिकेट हुआ, बोला क्या कुछ? नहीं, कम्युनिकेट हुआ है, लेकिन बोल के हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो कैसे हुआ है बेटा? इसने बस देखा और फिर कम्युनिकेशन हुआ, तो मतलब कौन सा कम्युनिकेशन हुआ गाइज? ये हुआ विजुअल कम्युनिकेशन, देखकर हो गया कम्युनिकेशन, गेटिंग इट? तो ये सारे तरीके होते हैं, ये सारे टाइप्स होते हैं विजुअल कम्युनिकेशन के। जैसे आपको एक पाई चार्ट देखते हो, सब समझ जाते हो किस कौन सा परसेंटेज हायर है, किस चीज का परसेंटेज हायर है। बार ग्राफ देखते हो, आप समझ जाते हो कि किसकी लिमिट हायर है, किसकी लिमिट लोअर है, लाइकवाइज। तो ये सब फॉर्म है विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है? सो यस, ये हुआ हमारा विजुअल कम्युनिकेशन। सो आई होप गाइज यू आर राइटिंग इट, बिकॉज इसको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? क्योंकि अगर आपको, मैं पहले बता चुका हूं, यू हैव टू हैव अ राइटिंग प्रैक्टिस, ओके? एक बार राइटिंग प्रैक्टिस आपकी हुई तो आपका बीसीआर एंड लॉ विल गो वेरी इजी, अदरवाइज राइटिंग प्रैक्टिस में मुश्किल होगा। इसलिए आई वुड सजेस्ट यू एंड एडवाइस यू, यू शुड राइट एंड लर्न। अब गाइज नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। ओके नाउ वेरी पे अटेंशन, वेरी मच पे अटेंशन गाइज, वी दिस पार्ट इज रियली इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी आ चुका है। सो नेक्स्ट पार्ट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। क्या बात कर रहे सर? हो चुका है ना, बता रहा बेटा, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्या? कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, फ्लो क्या है, ये जानना भी जरूरी। तो फॉर्मल इनफॉर्मल कह रहा हूं, फॉर्मल कम्युनिकेशन देखते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन में प्रोसेस क्या है, फ्लो क्या है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक पॉइंट होता है जिसे कहते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन एक, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन,
ठीक है, ये देखते हैं पहले वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अब गाइस वर्टिकल कम्युनिकेशन यानी क्या मैं बताता हूं। अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या एक बॉस होता है? यस सर होता है। क्या उसका भी कोई बॉस होता है? होता है। क्या उसका कोई एम्प्लॉय होता है? होता है ना। तो एक बॉस का भी बॉस हो सकता है और एक एम्प्लॉय भी हो सकता है। तो अगर इन लोगों में बॉस में, बिग बॉस में, एम्प्लॉय में, इन लोगों में जब कम्युनिकेशन हो रहा है, ये बॉस बात कर रहा है बिग बॉस से, बिग बॉस बात कर रहा है नॉर्मल बॉस से, और बॉस बात कर रहा है एम्प्लॉय से, तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट, इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है रिगार्डिंग वर्क या रिपोर्ट, किसके भी बारे में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो क्या ये टॉप लेवल टू लोअर लेवल हो रहा है? अगर मैं इसको टॉप लेवल बोलूं क्योंकि ऊपर का है, तो मैं इसको लोअर लेवल बोलूंगा, और अगर मैं यहां पर इसको टॉप लेवल बोलूं तो मैं इसको लोअर लेवल बोलूंगा, बराबर है? तो क्या कम्युनिकेशन टॉप लेवल और लोअर लेवल में चल रहा है? द आंसर इज चलता है सर। तो बेटा जब ऐसा कम्युनिकेशन चल रहा है फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल, तो उस कम्युनिकेशन को बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। सर वर्टिकल इच क्यू? बेटा वर्टिकल का मतलब क्या होता है? इस तरीके से, राइट तो जो वर्टिकल, इसका भी फ्लो देखो कैसा है, इस तरीके से ही है, स्ट्रेट। तो इसलिए यहां पर कम्युनिकेशन भी स्ट्रेट है, इसलिए इसको बोला जाता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अगर समझाए स्क्रीनशॉट ले लो और ये चार्ट बना लो बस, है ना, क्योंकि अगर आपने इस चार्ट बना लिया, समझ लिया ना भाई, तो भाई आपकी आधा काम हो चुका है, इसमें टॉपिक निकल चुका है, टेंशन नहीं है फिर। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट। तो अब आता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। गाइस हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में एक मस्त चीज होती है, क्या, जैसे कि एक मैनेजर होता है, बराबर, वो मैनेजर एक अपने डिपार्टमेंट का मैनेजर है, मान लेते हैं ए डिपार्टमेंट, एग्जांपल में ही तौर पे देख रहे हैं, और एक मैनेजर है, लेकिन ये मैनेजर अलग डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट बी, ठीक है, ये भी मैनेजर, ये भी मैनेजर, मतलब दोनों का लेवल सेम है, कोई किसी से बड़े पोजीशन पे क्या नहीं, कोई किसी से छोटी पोजीशन पे क्या नहीं, दोनों का लेवल सेम है, दोनों मैनेजर, ये भी मैनेजर, ये भी मैनेजर, खत्म। तो मतलब दोनों मैनेजर है, दोनों सेम पोजिशन पे। तो अब क्या ये लोग कम्युनिकेट करते हैं? द आंसर इज यस। तो मतलब ये दोनों मैनेजर जब कम्युनिकेट करते होंगे तो ऐसा नहीं होता होगा कि ये बॉस वॉस होता ही नहीं होगा। तो दोनों लेवल मैनेजर जब कम्युनिकेट करते हैं तो दे आर कम्युनिकेटिंग एट सेम लेवल, है ना, दे आर कम्युनिकेटिंग एट सेम लेवल। तो मैनेजर्स और मैनेजर दोनों जब सेम लेवल में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ऐसे कम्युनिकेशन को बोलते हैं गाइज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। समझ में आई बात? अब देखो, अब सर अगर मैनेजर, अगर कोई एक मैनेजर डिपार्टमेंट, ये भी मैनेजर, अगर कोई ये बॉस होता तो अगर ये भाई साहब, ये येलो वाले भाई साहब, ये ब्लू वाले के बॉस होते तो फिर ये वर्टिकल होता, लेकिन कोई एक दूसरे का बॉस है क्या? नहीं, ये भी एक लेवल पे, ये भी एक लेवल, सेम लेवल, बराबर। तो जब सेम लेवल पे कम्युनिकेशन होता है, डिपार्टमेंट बस चेंज होकर, या सेम लेवल पे जब भी कम्युनिकेशन होता है, उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। सर इसको हॉरिजॉन्टल क्यों बोलते हैं? बेटा वर्टिकल में कैसा था? टॉप लेवल लोअर लेवल, वर्टिकल। यहां पर हॉरिजॉन्टल में कैसा है? दोनों सेम लेवल, मैनेजर भी ये लेवल का है और दूसरा मैनेजर भी ये लेवल का है, दोनों सेम लेवल पे, तो ये क्या बनता है? ये हॉरिजॉन्टल बन रहा है, तो इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं।
समझ में? चलो नेक्स्ट इज डायगोनल गाइस, ये इंटरेस्टिंग है। तो थर्ड वाला हो जाता है डायगोनल, डायगोनल कम्युनिकेशन। वन सेकेंड, तो डायगोनल कम्युनिकेशन गाइस, गाइस यहां तक तो आपको समझा होगा। अब मान लीजिए ये एक एम्प्लॉई है, मान लीजिए एक एम्प्लॉई है, ठीक है, और उसका बॉस है ये भाई साहब, उसके बॉस है, और उसके बॉस का बॉस है ये वाला बिग बॉस, ओके, और उनका भी बॉस है ये वाले अंकल, ठीक। तो ये एम्प्लॉई, अगर ये एम्प्लॉई डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है टू दम अल्टीमेट बॉस, तो ये कौन से टाइप का कम्युनिकेशन होगा? डायरेक्टली अल्टीमेट बॉस, तो ये होगा, ये होगा डायगोनल कम्युनिकेशन। समझ में आई बात? क्या होगा ये? ये होगा डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है। और वेयर एज ये एम्प्लॉय, ये बॉस डायरेक्ट अगर इससे कम्युनिकेट करता है, डायरेक्टली इसके बीच में, अगर मैं बीच में आया क्या, बीच में ब्लू वाले का आया क्या, नहीं आया, डायरेक्टली लास्ट में आया, तो ये भी कौन सा कम्युनिकेशन है? डायगोनल कम्युनिकेशन। मतलब जब एक एम्प्लॉई लेवल्स के हिसाब से कम्युनिकेट नहीं करता, जैसे वर्टिकल में क्या था, वो उसके बॉस को कॉन्टेक्ट करेगा, वो उसके बॉस को कॉन्टेक्ट करेगा, ये था वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्या था, एक मैनेजर सेम लेवल, दूसरा मैनेजर सेम लेवल, सेम पोजिशन पर कॉन्टेक्ट। यहां पर कोई भी लेवल पर करो, किधर भी कॉन्टेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप डायरेक्टली टॉप लेवल पे भी कम्युनिकेट करोगे तो वो डायगोनल कम्युनिकेशन। समझ में आ रहा है? तो मतलब यहां पर अपना बॉस भी कम्युनिकेट होगा क्या? नहीं, डायरेक्टली टॉप लेवल पे भी कम्युनिकेट करोगे तो वो कम्युनिकेशन माना जाएगा, उसको बोलेगा डायगोनल कम्युनिकेशन। या सेम गोस फॉर बॉस, बॉस भी अपने जूनियर एम्प्लॉय को डायरेक्टली, कोई भी जूनियर कितना भी लेवल नीचे हो उसको डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है, तो वो होता है डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है। सो गाइज ये है ओवरऑल डायगोनल कम्युनिकेशन। आई होप आपको इसे समझ में आया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन कैसे होता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा, इस पर डिटेल लेक्चर्स भी है गाइज, यस, ये तो अभी और आगे भी पार्ट है, इसमें डिटेल लेक्चर्स भी है। सो आई वुड लाइक दैट यू वुड वॉच दिस लेक्चर। आई होप यू लाइक ऑल द थ्री वीडियोज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आप ये पहला लेक्चर देख रहे हो तो मैं आपको कहूंगा, सजेस्ट करूंगा कि बेटा सबसे पहले आप फर्स्ट लेक्चर देखो, क्योंकि सर मैंने बहुत बहुत वैल्यू एडिशन वाले पॉइंट्स आपको बताया, जिससे आपको बहुत जाना जरूरी है सीए फाउंडेशन में किस तरीके से आपका बीसीआर लॉ कैरी ऑन होगा। तो मैं आपको यही कहूंगा कि देखो कैसा है कि सीए फाउंडेशन एंड बीसीआर में गाइज, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बीसीआर एंड लॉ। सो वेयर एज यू हैव टू बुक्स, वन इज फॉर लॉ एंड वन इज फॉर बीसीआर। तो लॉ इज गोइंग टू गेट केटेड बाय शुभम सर, बीसीआर इज गोइंग टू केटेड बाय माय सेल्फ, दैट इज प्रोफेसर साइमन एंथनी। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, यू हैव, इफ यू आर स्टिल लुकिंग फॉर अ सीए फाउंडेशन बट यू आर थिंकिंग कि यू वांट टू डू इट सोलो, विच इज वेरी रेयर ऑफ कोर्स, बट स्टिल आपको मेरी जरूरत है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक टिप दे दूंगा कि सीए फाउंडेशन बीसीआर में, सीए फाउंडेशन बीसीआर की एक जरूर आपको टिप दूंगा मैं गाइस, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्टूडेंट को हमेशा बोलता हूँ कि बीसीआर का अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, बीसीआर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, आपको ये 40 मार्क्स कन्फर्म करने हैं, तो उसका एक ही सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन? उसका सिर्फ एक सोल्यूशन, दैट इज प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। इफ यू ओनली रीड एंड कम, नहीं होगा, इधर मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ये सब्जेक्ट आपको मेहनत डिमांड करता है। तो बस अगर आप ये मेहनत करने को रेडी हो तो बेटा समझ लो आप सीए क्रैकर को रेडी हो। लेकिन अगर आप बोलते हो कि मेहनत का कोई और ऑप्शन नहीं, कर सर जैसे टाइम मैनेजमेंट हो, ये हो, आप मेरे को बड़ी बड़ी बातें करें, सर टाइम ज्यादा जाएगा, ये ज्यादा जाएगा, बेटा अपन कौन से, तो अपन नॉर्मल लोग है ना, है ना, क्या अपन अंबानी अंबानी कहते नॉर्मल लोग। तो बेटा आपको कोई ऑप्शन नहीं है,
और हाँ एक और चीज बता दो, जब भी आप प्रिपेयर करो, जब भी आप एग्जाम दे रहे हो, एक बात याद रखो, एग्जाम के 2 महीने पहले वाली पढ़ाई को पढ़ाई नहीं कहते, और 2 महीने वाले पहले पहले वाले प्रैक्टिस को ही प्रैक्टिस नहीं कहते, क्योंकि वहां प्रैक्टिस होती ही नहीं है अच्छे से। तो अगर आप पीसीआर का पीसीआर और या सीए फाउंडेशन बाद में एग्जाम देने वाले हो दिसंबर में, तो बेटा टूडे इज योर डेट, जहां आज से आप पढ़ाई शुरू करो, आज से आप प्रैक्टिस करो। अगर आपको जरूरत है हमारी, तो वी आर अवेलेबल 24/7 फॉर यू ऑल। दिस इज द नंबर 888-886-8886। यू कैन कॉन्टेक्ट इज दिस नंबर, ओके? देन वी हैव अ टीम विच विल हेल्प यू, एंड इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टच विद मी और द अदर फैकल्टीज, यू कैन स्टिल कॉन्टेक्ट इन दिस नंबर, दे विल हेल्प यू टू गेट इन टच विद अस। ठीक है? सो माई डियर फ्रेंड्स, आई होप आई मेड अ गुड गुड कॉन्ट्रीब्यूशन टू यू टूवर्ड्स योर एजुकेशन फॉर बीसीआर। ठीक है? सो आई होप आपको जो भी समझाया है आपको समझ में आया होगा। एंड सो बस इतने से बोलूंगा गाइस कि यू थॉट दिस ड्रीम टू बिकम अ सीए, आपने ये ड्रीम सोचा था कि अब सीए बनोगे, बस ये ड्रीम सस्ती नहीं है यार। ठीक है? तो किसी के बात पे आके छोड़ना मत या सोचना मत, तुमने बनाया ना ड्रीम, बिंदास अचीव करो, इट इज योर ड्रीम। ठीक है? सो आई एम वेरी हैप्पी टू गिव यू दिस लेक्चर्स। सो दिस 3 लेक्चर्स का कॉम्बिनेशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों देखो गाइस, एंड वीडियो अच्छा लगा, आपको लगता है मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, आपको कॉन्ट्रीब्यूट किया मैंने, तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिए, एंड जरूर एक कमेंट भी ड्रॉप कर देगा तो मजा आ जाएगा, है ना? एंड सब्सक्राइब तो बिल्कुल मत बिल्कुल भूलना। ओके? सो दिस इज प्रोफेसर सैमुअल एंथनी लॉगिंग ऑफ, आपका सैम सर। थैंक यू सो मच एवरीवन, टिल देन टेक केयर एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, थैंक यू।